नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं और इस वीडियो में मैं आपको एनपीएस के संबंध में थोड़ा बताऊंगा कि परिषदीय शिक्षक एनपीएस का यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका खाता किस तरह से खुलवा सकते हैं। तो अभी तक ऐसे दर्शक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश परिषदीय शिक्षकों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम की न्यू पेंशन स्कीम के बारे में ये आज की वीडियो है। इस वीडियो में हम बताएंगे खाता कैसे खुलवाएं, कैसे आप जो है एनपीएस का खाता खुलवा सकते हैं, परिषदीय शिक्षकों के लिए है। दूसरा, फॉर्म कैसे भरें, कौन सा फॉर्म भरना है, फॉर्म भरकर किसे जमा करना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। प्रान आवंटित होने में कितना समय लगता है, जो एनपीएस खाते का जो प्रान नंबर होता है कितना समय लगता है उसके बारे में बात करेंगे। कितना कंट्रीब्यूशन हर महीने सैलरी से वेतन से काटा जाएगा, सरकार का कितना इसमें अंशदान होगा, इसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे, उदाहरण लेकर बात करेंगे, थोड़ा उदाहरण ही बताएंगे उसका। और ऐसे शिक्षक जिनका अभी ट्रांसफ़र हुआ है, वो अन्य जनपद से किसी आए हैं, किसी एक जनपद से दूसरे जनपद में उनका ट्रांसफ़र हुआ है, तो उनको अपना एनपीएस किस तरह से शिफ्ट कराना है, क्या करना होगा, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। चलते हैं, बात करते हैं कि एनपीएस खाता कैसे खुलवाएं। जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि परिषदीय शिक्षक एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए अपने डीडीओ ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर कार्यालय को फॉर्म भर कर देंगे। देखिए, आपके जनपद में बेसिक शिक्षा कार्यालय होता है और बेसिक शिक्षा कार्यालय के साथ ही संबंधित कार्यालय होता है जो है वित्त एवं लेखाधिकारी है। तो जो आपके डीडीओ होते हैं वो आपके वित्त एवं लेखाधिकारी ही होते हैं, उनका ऑफिस भी जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में स्थापित होता है। तो आपको अपना फॉर्म भरना है और फॉर्म भरकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के जो कार्यालय में वित्त एवं लेखाधिकारी होते हैं, जो अकाउंट ऑफिसर होते हैं बेसिक, उनके यहाँ आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होता है। डीडीओ कार्यालय आपके फॉर्म की जाँच करेगा और एनएसडीएल सीआरए पोर्टल पर अपने लॉगिन से, डीडीओ का एक लॉगिन होता है, पोर्टल होता है उनका, वो अपने लॉगिन से आपके फॉर्म का आवेदन एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए कर देगा जब आप फॉर्म अपना भर के देंगे वहाँ पर। इसके अलावा एक और जो है तरीका होता है कि वो आपके फॉर्म को ले लें और सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, उनके फैसिलिटेशन सेंटर होते हैं जो प्रत्येक जनपद में भी मिल जाएंगे या आसपास के जनपद में मिल जाते हैं, तो वो आपका फॉर्म लेकर उसकी जांच करके वो जो है फैसिलिटेशन सेंटर को भेज दिया जाता है सीआरए के, और वहाँ पर जो है आपके फॉर्म को अप्लाई कर दिया जाता है। ये जो प्रक्रिया है फॉर्म को अप्लाई करने की, ये बिल्कुल निशुल्क है, कोई भी इसके लिए फ़ीस नहीं है, कोई भी जो है इसके लिए फ़ीस नहीं ली गई है, बिल्कुल फ्री में ये फॉर्म भरा जाता है एनपीएस अकाउंट, जो भी एनपीएस का खाता खुलवाना चाहते हैं। आगे बात करते हैं, जो एनपीएस का जो फॉर्म होता है आपको जो खुलवाना है उसके लिए फॉर्म होता है सीएसआरएफ, इसको कैसे भरें थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसको जमा करना है मैंने बता दिया, आप अपने डीडीओ को जो आपके वित्त एवं लेखाधिकारी होते हैं उनको ये फॉर्म भर के जमा करना होता है। सीएसआरएफ फॉर्म जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरह का ये फॉर्म है, 5 पेज का ये फॉर्म होता है, इसमें कुछ डिटेल्स आपको भर के देनी होती हैं, ये ब्लैक पेन से आपको भर कर देना है, फोटोज पे लगाना है, उसको अटेस्ट नहीं करना है, इसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती हैं, कुछ आइडेंटिटी प्रूफ्स मांगे जाते हैं वो आपको भरने होते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस है इसमें जो है एड्रेस भरा जाता है और उसके साथ प्रूफ ऑफ एड्रेस भी लगाना पड़ता है, साथ में संलग्नक के तौर पर परमानेंट एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरी जाती हैं, आपके फ़ोन नंबर वगैरह, कुछ डिटेल्स जैसे बैंक डिटेल्स भी मांगी जाती हैं, नॉमिनेशंस डिटेल्स भी आपसे इसमें मांगी जाती हैं, और एक्टिव चॉइस, ऑटो चॉइस, कौन सा आपको सिलेक्ट करना है सब्सक्रिप्शन, तो वो भी आपको इसमें सिलेक्ट करना होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉर्म में भरनी होती हैं
सिंपल फॉर्म है, ज़्यादा इसमें कुछ चीज़ें नहीं है। डीडीओ से संबंधित आपको बातें यानी इसमें भरनी पड़ती हैं, तो डीडीओ के कोड वगैरह होते हैं वो आपको डीडीओ कार्यालय से मिल जाएंगे, जो आपको इसमें डालने होंगे। संलग्नक इसमें क्या लगाने होते हैं, आपको आपका पैन कार्ड लगाना होगा, आधार कार्ड लगाना होगा और एक क्रॉस चेक लगाना होगा। जो भी आपने इसमें अपने बैंकर डिटेल्स दिए हैं उसका एक क्रॉस चेक आपको CSRF फॉर्म के साथ में संलग्न करके देना होगा, अटैच करके देना होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि प्राण आवंटित होने में कितना समय लगता है। अगर DDO पोर्टल, अगर आप अपने DDO को फॉर्म भरकर दे रहे हैं, अगर वो अपने ही लॉगिन से आपका फॉर्म अप्लाई करते हैं तो एक दिन के अंदर आपका प्राण जनरेट हो जाता है। लेकिन अगर वो आपके फॉर्म को CRA FC को भेजते हैं और वहाँ से वो जो है अप्लाई किया जाता है, तो कम से कम 5 दिन का समय मिनिमम लग ही जाता है, क्योंकि वो फॉर्म जो है FC तक जाए यानी फैसिलिटी सेंटर तक जाएगा और उसके बाद में जो है उसको अप्लाई किया जाएगा, तो 5 दिन का कम से कम वहाँ पर समय लग सकता है। जैसे ही आपका फॉर्म अप्लाई कर दिया जाएगा, सबमिट हो जाएगा, उसके कुछ जैसे आपका प्राण जनरेट होगा उसका एक मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा कि आपका प्राण जनरेट हो गया आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर। और 15 दिन के अंदर जब आपका प्राण जनरेट हो जाएगा, तो 15 दिन के अंदर आपकी जो किट है, जो प्राण किट है, वो आपके DDO कार्यालय यानी वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय के अंदर आ जाएगी, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि कितना कंट्रीब्यूशन जो है आपसे लिया जाएगा, आपकी आपके वेतन में से डिडक्ट होगा, उसके बारे में। देखिए, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है वो 10% का 10% के हिसाब से जो डिडक्ट किया जाता है, आपकी बेसिक सैलरी और जो आपका DA है टोटल मिला के जितना हो रहा है उसका 10% आपका कंट्रीब्यूशन काटा जाएगा। थोड़ा उदाहरण के तौर पर भी मैं आगे बताऊँगा आपको। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कितना देता है, आपका 10% कट गया आपकी सैलरी में से, लेकिन जो है गवर्नमेंट भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है, जो 14% होता है आपकी बेसिक और DA का 14% सरकार अपना अंशदान जमा करती है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे कोई टीचर है, उसकी बेसिक सैलरी 41,100 है, उसको DA 6,987 रुपये मिल रहा है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, जो 10% ऑफ ए है, यानी अगर हम बात करें बेसिक सैलरी का 10% कितना हो जाएगा, 41,110 रुपये। ऐसे DA का जो है 10% कितना हो जाएगा, 6,998 रुपये, जो ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन कॉलम में, उसमें 4,808 रुपये, ये आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा जो आपकी सैलरी में से कटेगा। ऐसे गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूशन देगी, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% सबमिट होता है, तो वो जाएगा बेसिक सैलरी का 14%, 5,754 रुपये, और DA का आपका 978 रुपये, तो टोटल मिला के 6,732 रुपये। तो जो आपका मंथली जो आपके NPS अकाउंट में जमा होगा वो 11,540 रुपये जो है आपके अकाउंट में पर मंथ जमा होंगे, जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन 10% यानी 4,808 रुपये और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% यानी 6,732 रुपये, ये 11,540 आपके NPS अकाउंट में जमा हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि ऐसे शिक्षक जो ट्रांसफ़र हो गए, जिन्होंने अपना जनपद चेंज किया है और ट्रांसफ़र होकर वो दूसरे जनपद में पहुंचे हैं, तो और उनका पिछले जनपद में NPS अकाउंट खुला हुआ था, तो वो किस तरह से जो है अपना NPS अकाउंट को जो है वो ट्रांसफ़र करवाएंगे, शिफ्ट करवाएंगे उसके लिए। तो यहाँ पर जो है उनको फॉर्म दोबारा से CSRF फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है, उनके लिए अलग से एक फॉर्म है जिसे कहते हैं इंटर सेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म, ISS1 फॉर्म है, जो आपको अपनी डिटेल्स, अपने पिछले जो आपका DDO है उसकी डिटेल्स भरकर आपको ISS फॉर्म में भरकर अपने DDO को देनी होती है, वित्त एवं लेखाधिकारी को देनी होती है, और वो अपने पोर्टल से आपके NPS को अपने DDO के अंडर ले लेते हैं। और ISS1 फॉर्म भरने का भी कोई भी फीस नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। जब कंट्रीब्यूशन आपका स्टार्ट हो जाएगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ऐप है NPS का ऐप आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आप जो है अपना कितना कंट्रीब्यूशन जमा हो चुका है वो महीने के महीने चेक कर सकते हैं कितना कंट्रीब्यूशन हो गया है। कुछ लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा CSRF फॉर्म का, जो आपको भर के आपको अपने DDO को देना है।
ISS फॉर्म का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा NPS जो आपका ऐप है जो आपको डाउनलोड करना है, उसको उसका भी मैं आपका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो जिस ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।